नमस्ते भाई, रिकरिंग डेसिमल या पुनरावर्ती दशमलव को फ्रैक्शन में भिन्न में जल्दी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं मेरे दोस्तों। रिकरिंग डेसिमल समझते हैं जैसे 0.7 के ऊपर बार। क्या मतलब इस बात के? इस बात का मतलब है 0.7777777 बार 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 बार। तो एक डिजिट के ऊपर बार है 7, बार हटाइए, दशमलव हटाइए, 9 से भाग कर दीजिए। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 से भाग करना है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? 69, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 से भाग कर दीजिए। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 से भाग होगा। अब दिक्कत होगी इसमें 0.7 4 के ऊपर बार है केवल। 1 डिजिट के ऊपर बार है 19 आएगा। दशमलव के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, नीचे एक जीरो आएगा। ऊपर 74, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करना है, यानी कि 67/90। इसको देखो, 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है 10। 687 में से जिस डिजिट पे बार नहीं है वो आपको माइनस करना है, तो 681/990। इसको देखो, अब ये आप मुझे कन्वर्ट करके बता।